राजधानी में 1998 के चयनित शिक्षकों का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक आंदोलन पर है। पिछले 21 सालों से चयनित शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी तरह की सुध तक नहीं ली जा रही है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि मामले को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के तहत कोई भी शिक्षक वंचित न रह गया हो उसकी जाँच की जा रही है। देखिए 1998 की जो मांग थी भर्ती की, उसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबके फैसले आ गए। भारतीय जनता पार्टी की जब पिछली सरकार थी तो एक मंत्रिमंडलीय समिति ने उसका फैसला किया। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें यही है कि जिन लोगों ने कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने जिसका निर्णय दिया उसको आप दे दीजिए। सर मांग बिल्कुल प्राकृतिक है कि 1998 थर्ड ग्रेड टीचर की जो भर्ती हुई थी उसमें मेरिट लिस्ट में से कम परसेंटेज वालों को नौकरी दी जा चुकी है और अधिक परसेंटेज वाले अभी तक नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो केवल प्राकृतिक न्याय की मांग है। इस न्याय को लेकर 21 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 4 कमेटियां बन गई हैं, 2 बार आदेश भी हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आ चुका है, हाई कोर्ट से भी आदेश आ चुका है। 2014 तक उस लिस्ट में से नौकरी भी दी गई है बीच बीच में से, लेकिन केवल अधिकारियों की लाल फीताशाही के कारण ये मैटर पूरी